केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले गुरुवार को नागपुर दौरे पर थे। यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके लिए विपक्ष का जिम्मेदार था। लोकतंत्र में सदन चलाना हर दल की जिम्मेदारी होती है, जो नहीं हुआ, और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर चर्चा भी जरूरी थी, चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की। लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है। विपक्ष से मोर्चा निकाल रहा है क्योंकि उनके बहुत सारे जो MP सस्पेंड कर दिए हैं और उसके लिए मतलब विपक्ष जिम्मेदार है। एक तो हाउस चलाना, ये मतलब लोकतंत्र में सभी दोनों पक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष मतलब हमेशा हंगामा करने की कोशिश करते रहता है। जो भी संसद में हुआ था, जो दो लड़कों ने जो वहाँ जंप मारा था, तो ये बात अच्छी नहीं है। संसद के सुरक्षा को बहुत बड़ा धोखा भी नज़र आ रहा था और उसका पक्ष और विपक्ष ने भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी उसका विरोध किया था, तो उस पर चर्चा होने की आवश्यकता थी, उसमें अलग अलग सुझाव लेने की आवश्यकता थी, ताकि बाद में इसी तरह का इंसिडेंट ना घटे। लेकिन विपक्ष रोज हंगामा कर रहा है और इसका होम मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं। मतलब पार्लियामेंट का जो प्रमाइसेस होता है वो मतलब पार्लियामेंट्री मतलब लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के हाथ में होता है, और इसीलिए मतलब होम मिनिस्टर ने जवाब देना चाहिए। इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है, और होम मिनिस्टर मतलब रिप्लाई दे सकते थे, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए थी, तो चर्चा उन्होंने की नहीं और बोल रहे कि भाई हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए विपक्ष का जो रैली निकल रहा है वो ठीक है, लोकतंत्र में उनको अधिकार है।